आज हम करेंगे तेनाली रमन का फिफ्थ चैप्टर, तेनाली शेयर्स हिज रिवॉर्ड, वो अपने इनाम को कैसे बांटता है। वंस विजयनगर एम्पायर वॉज विजिटेड बाय अ वेल नोन ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट। एक बार विजयनगर के अंदर बहुत सारे फेमस आर्टिस्ट आए थे, बैंड ग्रुप के। बैंड वो होते हैं जैसे कि पर्टिकुलर कोई सॉन्ग बनाता है या जो परफॉर्म करते हैं। दे वॉन्टेड टू परफॉर्म फॉर द किंग, और वो राजा के लिए परफॉर्म करना चाहते थे, यानी कि कुछ पेश करना चाहते थे उनके आगे, या तो गाना या बजाना। राजा कृष्णदेवा राय वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ सच प्रोग्राम्स, और जो राजा कृष्णदेवा राय था उसको ऐसे प्रोग्राम्स बहुत पसंद होते थे कि कोई उनके आगे आके परफॉर्म करे, उनको खुश करे। सो ही एंड हिज वाइफ ऑर्डर्ड नॉट टू बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग द प्रोग्राम। तो फिर क्या हुआ, जो राजा कृष्ण राय हैं वो और उसकी वाइफ जब प्रोग्राम को अटेंड करना चाहती थी तो उन्होंने यही कह दिया कि कोई हमें परेशान ना करे। टू अवॉइड एनीबडीज एंट्री टू गार्ड्स वर पोस्टेड आउटसाइड द परफॉर्मेंस एरेना। अब किसी की भी एंट्री ना करने के लिए, यानी कि कोई भी अंदर ना आए ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, तो उन्होंने क्या करा, जहाँ पर वो परफॉर्मेंस होने वाली थी, जहाँ पर वो राजा के लिए परफॉर्म करने वाले थे, वहाँ पर उन्होंने गार्ड्स लगा दिए कि किसी को अंदर मत आने देना। द सेम इवनिंग तेनाली रमन हैड सम अर्जेंट इशू टू बी डिस्कस्ड विद द किंग। अब जिस शाम वहाँ पर वो परफॉर्मेंस हो रही थी तो उसी दिन तेनाली रमन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी थी राजा के साथ। व्हेन ही केम टू मीट द किंग द गार्ड स्टॉप्ड हिम। तो जब वो राजा से मिलने के लिए आया तो जो गार्ड उन्होंने खड़ा करा हुआ था गेट पर, वो तो जो गार्ड था उसने उसे अंदर जाने से मना कर दिया, वहीं रोक दिया। द गार्ड टोल्ड हिम दैट द किंग वॉज बिजी वॉचिंग अ स्पेशल परफॉर्मेंस। तो गार्ड ने उसे ये बोला कि राजा जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है एक परफॉर्मेंस को देखने के लिए। तेनाली रमन लाइड टू देम दैट द किंग हैड promised to give him a reward, so it was inevitable for him to meet the king. अब तेनाली रमन ने उस जो वो जो उनका गार्ड था उससे झूठ बोला कि जो राजा हैं वो मुझे रिवॉर्ड देना चाहते हैं, पुरस्कार देना चाहते हैं, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है उनसे मिलना। On hearing about the reward, the guard became avaricious. अब जब उस गार्ड ने ये बात सुनी कि उसको पुरस्कार मिलने वाला है, कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो जो गार्ड था वो एकदम से लालची हो गया ये बात सुनकर। ही सेड दैट इफ तेनाली वॉन्टेड टू एंटर द पैलेस ही वुड हैव टू एग्री टू शेयर हाफ ऑफ द रिवॉर्ड विद हिम। तो फिर तेनाली ने उस गार्ड को बोला, अगर तुम मुझे अंदर जाने दोगे तो मैं तुम्हें अपना आधा इनाम दे दूंगा। तेनाली रमन अग्रीड एंड एंटर्ड द प्लेस। ठीक है, तो उसके बाद जो तेनाली रमन तो जो था वो इस बात से एग्री कर गया और वो पैलेस के अंदर एंटर कर गया राजा से मिलने के लिए। तेनाली अगेन मेट अनदर गार्ड हु स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गोइंग फर्दर। फिर तेनाली को जाते वक्त दूसरा गार्ड मिला जिसने उसे दोबारा रोका कि आप अंदर नहीं जा सकते। तेनाली रमन ब्राइब्ड हिम ऑल्सो एंड फाइनली मैनेज टू रीच द परफॉर्मेंस एरिना। अब क्या हुआ कि जब तेनाली रमन को उस गार्ड ने रोका तो उसने उसको भी ब्राइब करा, यानी कि रिश्वत दी, ऐसे बोला कि कुछ ऐसी बात बोली कि चलो मैं भी तुम्हें शेयर कर दूंगा जो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, वो जो गार्ड था वो भी लालची बन गया और उसने उसे अंदर जाने के लिए बोल दिया। जस्ट देन तेनाली टुक अ स्टिक लाइंग नियर बाय एंड स्टार्टेड थ्रैशिंग द लीड एक्टर विद इट। फिर एकदम से क्या हुआ कि तेनाली ने एक लंबा सा डंडा उठाया और जो वहाँ पर एक्टर एक्टिंग कर रहा था उसके पीछे भागने लगा। थ्रैशिंग का मतलब होता है व्हिपिंग, और उसे मारने लगा। एवरी वन प्रेजेंट देयर वॉज फ्लैबर गेस्टेड, और वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो एकदम से चौंक गए। फ्लैबर गेस्टेड का मतलब होता है स्टंड हो जाना, एकदम से चौंक जाना। वो तेनाली की इस हरकत को देखकर चौंक गए थे। राजा कृष्णदेवा राय गॉट एनग्रेज्ड एंड रेज्ड एंड आस्क्ड हिज मैन टू विप तेनाली रमन 100 टाइम्स फॉर लैशिंग हिज गेस्ट
एंड एंटरिंग द एरिना विदाउट परमिशन. अब राजा कृष्णा देव जो देवराय थे वो एकदम से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने आदमियों को बोला कि तुम तेनाली को मारो कि कैसे ये बिना पूछे एंट्री कर ली इसने हमारे पैलेस में. टू दिस तेनाली रमन रिप्लाइड, योर मेजेस्टी टू ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर माई पनिशमेंट. फिर इसमें तेनाली रमन ने ये बोला कि राजा मेरे जो दो दोस्त हैं वो मेरी इस पनिशमेंट को शेयर करना चाहते हैं. कैसे कि उसने उन दो गार्ड्स को उल्लू बनाया था ना ये बोल के कि मेरे को जो रिवॉर्ड मिलेगा मैं उसे तुम्हें शेयर करूंगा, तो इसको रिवॉर्ड तो मिला नहीं, इसको तो पनिशमेंट मिली है, तो इसने कहा कि वो दोनों भी मेरे साथ शेयर करेंगे. कृष्ण देव राय राय कुडंट मेक आउट व्हाट ही वाज सेइंग. फिर जो राजा था उसको समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रहे तेनाली. ही आस्क्ड तेनाली रमन टू टेल द नेम्स ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड कॉल देम इन. तो फिर उन्होंने तेनाली से पूछा कि तुम अपने दोस्तों का नाम बताओ और उन्हें भी अंदर लेकर आओ. तेनाली आस्क्ड एन अटेंडेंट टू टेल द टू गार्ड्स दैट ही वॉज अबाउट टू रिसीव हिज रिवॉर्ड एंड कॉल देम इन. फिर तेनाली ने जो वहां पे अटेंडेंट था उसे बोला कि वो जो दो गार्ड्स हैं तुम उनका नाम बताओ, वो भी मेरे साथ इस रिवॉर्ड को लेंगे. उनको तुम ये जाके बोलो कि तेनाली को एक इनाम मिल रहा है तो वो भी मेरे साथ आके शेयर करेंगे और उन्हें अंदर बुला लो. When the guards arrived, तेनाली narrated the whole incident about the guards' treachery and greed to the king. अब जब वहां पे जो गार्ड्स थे जब वो जैसे ही अंदर आने लगे तो उन्होंने उसने तेनाली ने राजा को बताया कि आपके जो गार्ड्स हैं वो कितने ज्यादा लालची हैं और उनको पूरी कहानी बताई कि कैसे मैंने अंदर आने के लिए उनसे झूठ बोला और वो मेरी बातों में फंस भी गए. ही रिक्वेस्टेड द किंग टू गिव 50 लैशेज ईच टू बोथ ऑफ देम. फिर उसने किंग को रिक्वेस्ट करा कि आप इन दोनों को 50 बार उनको डंडे से पिटाई करवाओ. राजा कृष्णदेव राय ऑर्डर्ड हिज मैन टू पनिश बोथ द गार्ड. फिर राजा कृष्ण राय ने अपने लोगों को बोला जो उसके आदमी थे उन्हें बोला कि आप इन दोनों गार्ड्स को पनिश करो. ही ऑल्सो थैंक तेनाली रमन बाय शॉवरिंग हिम विद लग्जूरियस गिफ्ट्स. फिर उन्होंने तेनाली रमन को भी थैंक यू बोला और उसको बहुत सारे गिफ्ट दिए कि तुमने अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बताया कि मेरे यहाँ पर जो गार्ड्स हैं वो कैसे लालची हैं और वो मेरा काम लॉयल्टी के साथ नहीं कर रहे.